निजता, निजता मतलब क्या होता है, निजता मतलब प्राइवेसी, निजता मतलब प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आपसे कोई जबरदस्ती आपकी पर्सनल चीजें बोल सकता है, आपका वो निजता, निजता का मैटर है, पर्सनल। आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है ना, तो ये एक अपराध है। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग अगर कोई कर लेता है तो क्या है, अपराध है। तो जितनी मोबाइलें अब बन रही हैं, अगर उससे रिकॉर्ड करिएगा तो पहले ही बोल देता है दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, उस सामने वाले को पता चल जाता है कि उसकी निजता का हनन हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं, तुरंत काट देता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉल रिकॉर्ड ना हो, तो फिर आप कोशिश करेंगे व्हाट्सएप कॉल करने के लिए। लेकिन अभी आप लोग उस एज में नहीं है कि आपके कॉल रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। समझ आ गया, कौन चीज हो गया, क्या बोल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम चैट की बात नहीं कर रहे हैं बकलवा, कॉल की बात कर रहे हैं। और आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग पिछला चैट भी डिलीट हो जाता है। आपको पता है, आपको दो दिन पहले भी बात की है तो यहाँ से डिलीट फ्रॉम ऑल हो सकता है। बस आपको फ्लाइट मोड में जाके अपने मोबाइल की टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि व्हाट्सअप जो है वो 5 मिनट तक अलाउ करता है आपको कि चैट जो है दोनों ओर से डिलीट कर सके। 5 मिनट बाद वो केवल आपकी ओर छोड़ देगा, उधर का डिलीट नहीं करे। उसको टाइम कहाँ से पता चलता है, आपके मोबाइल की घड़ी से। फ्लाइट मोड कीजिए, उसको पता दूसरी दुनिया से कट गया फ्लाइट मोड के बाद। फ्लाइट मोड के बाद अपने घड़ी का टाइम क्या कीजिए, चेंज कीजिए। व्हाट्सएप की उस जगह पे आइए जिसका चैट को डिलीट करना है। अब आपके व्हाट्सएप को पता ही नहीं है बाहरी दुनिया क्या है, फ्लाइट मोड की है पता ही नहीं है, घड़ी का टाइमिंग चेंज किया पता नहीं है। अचानक फ्लाइट मोड हटाइए और उसके वाले को सेलेक्ट करके डिलीट फॉर ऑल, खत्म। जैसे फ्लाइट मोड से हटेगा आप उस टाइमिंग देखेगा, ओ माय गॉड अभी तो इतने बज रहा है। डेट चेंज करना है तो डेट चेंज कीजिए, टाइम चेंज करना है तो टाइम चेंज कीजिए, डिलीट हो जाता है। ए बकलोला, तू लोगों को नहीं पता था, बसरते वो इंसान आपका स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा हो। यार हम लोग को मतलब कुछ भी नहीं जानते, हम लोग फेसबुक भी नहीं जानते, फिर भी काम लायक इतना चीज है सब पता है जो हा? अरे यार उसमें भी अब जब आपको इतना फैसिलिटी व्हाट्सएप दे रहा है तो उसको भी तो देता है फैसिलिटी। अगर वो बैकअप में रख लिया है तो फिर खत्म कहानी आपका। व्हाट्सएप अगर उसने कहाँ डाल दिया है बैकअप में, तो आपका खत्म कहानी। आप डिलीट मारिए, चाहे उसका अकाउंट डिलीट कर दीजिए, उसका रखा हुआ है बैकअप में। मतलब जितनी चैटें हैं वो अपने गूगल ड्राइव में रख लिया होगा। गूगल ड्राइव, गूगल के पास आप ही का एक मेमोरी कार्ड होता है, जो कुछ बात किए हैं गूगल अपने उसी मेमोरी कार्ड में रख लेता है। जब आप पासवर्ड दीजिएगा तो दे देगा कि यही आपका चैट। हालांकि ज्यादा ही सब चैट अभी आप लोग के किसी चीज के काम का नहीं है। सर्विलांस आपके लिए निजता का अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन अगर आप अपराध किए हैं तो आपको सर्विलांस पे रखना जरूरी है। सब बड़ी खुश है, सब बहुत अच्छा चीज बता दिए हैं। कौन कौन चीज चैट कर ले रहे तू लोग, जो डिलीट मारने की सोच रहा है आप। देखो तुमको पढ़ाई के साथ साथ कितना अच्छा अच्छा चीज मिल जाए। लड़कियां ज्यादा खुश है सब। निजता का अधिकार, समझ में आ गया कि नहीं। वैसे भी आप सब लोग को, सोशल मीडिया इज नॉट सोशल, ये कब कमर्शियल हो चुका है। कभी भी इस सब चीज पे ध्यान सकिए। लाइफ में कुछ भी काम कीजिए तो सक्सेस के उम्मीद से नहीं, अपने दिमाग में एक बैठा के चलिए वर्स्ट कंडीशन के लिए। इसलिए अगर किसी से कोई भी इस तरह का बात, लड़ाई झगड़ा, धमकी, मतलब धमकी तो नहीं देना चाहिए आप लोग को, लेकिन कोई पर्सनल चीजें हैं उस सबको जिससे कि आपको लॉस हो सकता है, उसको कभी फोन पे नहीं करनी है। सीधे बोलिए, आइए डिस्कस करते हैं टेबल पे बैठ के। अभी आप लोग की वो लाइफ शुरू ही नहीं हुई जहां बिजनेस टू बिजनेस डील होगा। नौकरी उकरी के बाद बहुत बहुत सारी चीजें आती है। अभी कौन है आप लोग, बेरोजगार को कौन पूछता है। निजता का अधिकार किसमें आता है, पर्सनल लिबर्टी। एडल्ट्री किसमें आ जाएगा, पर्सनल लिबर्टी। 497 खत्म हो चुका है कि नहीं हो चुका, खत्म हो चुका है। आज शादीशुदा लड़का या शादीशुदी लड़की जो जो किसी को भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए फ्री है, बट ये एक बड़ा कारण बता है डाइवोर्स का। ये पढ़ा दिए थे,